हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में रीड किया था और उसके साथ साथ हमने जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी रीड किया था। आज हम रीड करते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। जिस प्रकार से हमने फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उसी प्रकार से हमारी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो देखिए, जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलेंगे और ड्राइव्ड यूनिट्स किसको बोलेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी वो यूनिट्स होती हैं जिनका यूज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं, और ड्राइव यूनिट्स हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था उसी प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स को भी ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर नोर दे कैन बी फर्दर रिजोल्व इन टू मोर सिंपलर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम और सिंपलर पार्ट्स में या किसी और दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते, वो हमारी क्या कहलाती थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसी प्रकार से क्वांटिटी वर्ड को हटा के वहाँ पर अगर हम यूनिट लगा दें कि वो फिजिकल यूनिट्स जो ड्राइव नहीं की जा सकती किसी दूसरी यूनिट से, और ना ही उनको हम और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं या और सिंपलर यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं, जिस प्रकार से आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया था उसी प्रकार से आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कि वो फिजिकल यूनिट्स जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। वहाँ पे क्वांटिटी होता था, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए, आपसे पूछा गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, विच वी मेजर इज वेरी लार्ज, जिनको हम मेजर करते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, येट वी डू नॉट नीड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो, अलग अलग क्वांटिटीज को हम मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स की भी जरूरत होगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है लेकिन उनको मेजर करने के लिए हमें इतने यूनिट्स की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, देखिए, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू इच अदर, कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए उनकी यूनिट्स को हम दूसरी बेसिक फंडामेंटल यूनिट से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ड्राइव यूनिट्स में, स्पीड है। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब डिस्टेंस की यूनिट आपको पता क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट आपको पता क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से आप देखोगे स्पीड की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। और आपको पता है मीटर और सेकंड ये कौन सी यूनिट थी आपकी, फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो फंडामेंटल इन यूनिट्स का यूज़ करके हमने इसकी यूनिट बना ली जो आपकी स्पीड की यूनिट है। तो इसलिए हमें जो है इसके लिए किसी अलग यूनिट की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि हम इसी से इसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में ही मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हमारे पास किस किस प्रकार के यूनिट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। हमारे पास एक कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसका प्रयोग हम हर प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए, सिस्टम का जो कंप्लीट सेट है इस प्रकार से ले लेते हैं हम, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, इसी प्रकार से टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो आपके पास यूनिट है ये आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो आपका एक कंप्लीट सेट है जो आपको लेंथ, मास, टाइम, इन सब की यूनिट्स के बारे में बताता है। तो हमारे पास कुछ अलग अलग सिस्टम के टाइप्स थे, वो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या होते थे। देखिए, सम कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूज एज फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम। देखिए, जो उसका नाम है उसके नाम के अंदर ही ये छुपा हुआ है कि ये किस चीज़ को किस टर्म में मेजर करता था। यहाँ पर आपको दिया गया है CGS। देखो, C का मतलब है, आपको ये याद रखना, जो पहली क्वांटिटी होती है वो आपकी मेजर करती है लेंथ को, दूसरी क्वांटिटी मेजर करेगी मास को, और थर्ड क्वांटिटी मेजर करेगी टाइम को। ये हर सिस्टम के अंदर कॉमन है, लेंथ, मास, टाइम।
लेंथ के आगे सी ये दिखाता है सेंटीमीटर कि लेंथ किस में मेजर करता था सीजीए सिस्टम, सेंटीमीटर में। मास के आगे जी ये दिखाता है ग्राम कि मास को किस में मेजर करते थे, ये ग्राम में। और टाइम के आगे ये दिखाता है कि किसको मेजर करते थे, ये सेकंड में। तो टाइम किस में मेजर किया जाता था सीजीए सिस्टम में, सेकंड में, मास ग्राम में, और जो इसका लेंथ है वो होती थी सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से एक दूसरा सिस्टम होता था FPS सिस्टम। देखिए सीजीए सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये हमारा फ्रांस के अंदर बनाया गया था और इसके अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूनिट यूज की जाती थी लेंथ, मास और टाइम के लिए। FPS सिस्टम जो है ये आपका एक ब्रिटिश सिस्टम है। सीजीएस आपका फ्रांस का सिस्टम था और ये आपका एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसके अंदर एफ का मतलब होता है फुट, तो लंबाई किसने फुट में, पी का मतलब होता है पाउंड, मास किसके अंदर पाउंड के अंदर, और एस का मतलब होता है सेकंड, मतलब टाइम किसमें मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को इसमें मेजर करता है। आपको ये पता करना है कि जो ये पाउंड है ये पाउंड का किलोग्राम के साथ क्या रिलेशन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप पता लगाओगे कि पाउंड का किलोग्राम के साथ क्या रिलेशन है, कितने पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है, या कह सकते हो ये एक पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जो है ये भी आपका एक फ्रेंच सिस्टम है, इट इज ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम। देखिए आपके पास फ्रांस, ब्रिटिश, ये फ्रेंच, बेस्ड ऑन, अब देखिए M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। आप इन तीनों में देखोगे तो आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, टाइम को हर जगह किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड में मेजर किया जाता है, क्लियर है। और लेंथ और मास को जो है अलग अलग सिस्टम में मेजर किया गया है। अब ये देखिए अलग अलग देशों का मेजरमेंट का अलग अलग सिस्टम था। अब जब एक देश में से दूसरे देश में कोई व्यापारी ट्रैवल करके जाता था कोई सामान परचेज करने के लिए, कोई माल उठाने के लिए वहां से, तो उसको क्या समस्या होती थी। अब मान लो कोई ब्रिटिश व्यापारी जो है यहाँ गया, फ्रांस में गया, इसने वहां पे जाके कोई मान लो किस कोई सामान ऐसा लेना था जिसको लंबाई में मेजर किया जाता है, तो इसने वहां कहा कि मेरे को 10 फुट ये सामान दे दो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो तो फुट को समझते नहीं, ये किसको समझते हैं, सेंटीमीटर को। इसी प्रकार से इस देश में ब्रिटिश व्यापारी है ये आपका यहाँ गया फ्रांस में, इसने वहां पे जाके किसी चीज को मांगा जिसका हम मास मेजर करते हैं, वजन मापते हैं, इसने बोला 10 पाउंड दे दो मेरे को। लेकिन ये वाले जो हैं आपके सीजीएस वाले, ये तो पाउंड समझते नहीं है, ये तो ग्राम समझते हैं। तो इससे क्या होता था, अलग अलग देशों में व्यापार करने में अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पूरी दुनिया में माना जाए, उस सिस्टम का नाम रखा गया SI सिस्टम। SI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए वैसे तो फुल फॉर्म शुरू से स्टार्ट होता है लेकिन ये उल्टा है, आई पहले इंटरनेशनल, एस बाद में सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्लियर है। ये एक ऐसा सिस्टम था जो पूरी दुनिया के अंदर वैलिड था, हर जगह ये माना जाता था। ये सिस्टम जो था किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960 में 11वीं कॉन्फ्रेंस थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये वेट और मेजर करने की एक आप संस्था बोल सकते हो इसको, उन्होंने इसको 1960 के अंदर अडॉप्ट किया था। अब इसके अंदर देखिए SI सिस्टम में होता क्या था, लेंथ को तो मेजर किया जाता था मीटर में, मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में, और टाइम आपका रहता था वही सेकेंड में। ये आपकी SI सिस्टम की पैरामीटर्स थे जो लेंथ और मास और टाइम को मेजर करने के लिए यूज किए जाते थे। आपके पास जो सेवन बेसिक क्वांटिटीज थी सेवन, उनके यूनिट्स क्या क्या है, देखिए लेंथ के लिए मीटर, ये SI यूनिट की बात हो रही है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। जैसे हम टेम्परेचर ये यूज करते हैं कि आज तो टेम्परेचर जो है 29 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस हमारी SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट जो है टेम्परेचर की केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए लिखते कैसे हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करते हैं मोल के अंदर। ये तो आपकी हैं सेवन बेसिक यूनिट। इसके साथ साथ बेसिक से अलग आपकी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो आपकी ये हैं, एक तो प्लेन एंगल, इसको रेडियन में मेजर करते हैं, इसको आप मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री +1 में, वहाँ पे आप डिटेल में देखोगे रेडियन होता क्या है। और दूसरा जो है सॉलिड एंगल, ये स्टेरेडियन। प्लेन एंगल तो होता है 2D में जब हम मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल होता है जब हम 3D में एंगल को मेजर करेंगे। तो ये जो है आपके पास बेसिक फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हमारी यूनिट्स हैं
हम उनको आगे डिफाइन करेंगे कि किस किस प्रकार से आपकी जो यूनिट्स हैं, जैसे आपने देखा कि मास के लिए किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है, उनको डिफाइन कैसे किया गया है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।